भाई तो सीरियस हो रहा बंदा, एक एक कपड़ा निकाल रहा है बैठ के। ओ माय गॉड। Hello friends, welcome to my YouTube channel and Serial Piyush. We are back again with another travel video and this time we are going to Goa. I know it's off season mein I know off season hai but off season mein jaake hum log dekhna chahte hain ki Goa kaisa tha, because on season mein to already aapko pata hota hai ki kya bahut sare videos available hai, wahan kya hota hai, kaisi cheeze milti hai. Ab hum off season mein jaake aapko batayenge ki wahan pe cheeze kaise milti hai, hum kahan pe rehne wale hain aur sab dekh rahe hain kahan pe rehne wale, kya kya karne wale hain. एंड अभी तो फिलहाल नाइट ड्राइव करेंगे, अभी कितना बज रहा है, 8 बज चुके हैं. हम लोग यहाँ पे रुपेश को पिक करना है, मैं मेरी गाड़ी उसके यहाँ रखूँगा, रुपेश की गाड़ी में हम लोग गोवा जाएंगे, फुल नाइट राइड करने वाले. आई शो यू हाउ इट इज़ डन. ऊपर के उठा जैसे बच्चे की मालिश होती है वैसे. एग्जैक्टली. सो गाइज, वी आर रीच हियर इन बिबियाना मॉल, डिनर करने जा रहे हैं. इट्स 9:15 राइट नाउ. रुपेश एंड यक्षी थोड़ा शॉपिंग करने वाले हैं, शॉपिंग करके वी विल लीव हियर. इस बार वी आर गोइंग बाय मुंबई पुणे हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, फिर पूरे बैंगलोर हाईवे. ठीक है, कल सुबह 10-11 बजे तक पहुंचने का प्लान है. लेट्स सी, आई होप रास्ता काफ़ी मिले, भी ऑब्वियसली काफ़ी मिलेगा ईस्टर्न हाईवे. आई सी यू इन द कार. अभी फिलहाल डिनर करने जा रहे हैं. भाई तो सीरियस हो रहा बंदा, एक एक कपड़ा निकाल रहा है बैठ के. ओह माय गॉड. सो गाइस, वी हैव ऑफिशियली लीविंग फॉर गोवा. इट इज 10:21 राइट नाउ. कितने बजे पहुंच जाएंगे? 10-12 घंटा. बारह घंटा ले लो. गूगल मैप तो कुछ 14 आवर्स बता रहा था, देखते हैं अभी बीच में जहाँ पे भी हॉट मिलेगा अच्छे अच्छे बीच मिलेगा. रात को तो नहीं मिला रहे. आई शो यू द रोड इन सम टाइम. हम गाड़ी लेके बाइक चलाने के जो आवाज ना है, वो सो गाइस, वी हैव जस्ट क्रॉस द तालेगांव टोल नाका एंड मैकडॉनल्ड्स में से कॉफ़ी खरीदने वाले हैं. वी हैव डन ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स. अभी इट इज 12:08 हो रहा है. अलॉन्ग वे टू गो. बीच में और एक दो जगह हॉल्ट लेंगे. रोड इज़ प्रीटी क्लीन, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो वही कीचड़ उड़ रहा है. नॉट एनीथिंग न्यू टू शो. और अंधेरा भी ऐसे में कुछ दिखा नहीं सकता, जहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा आई शो. So we are sitting here at Starbucks. Vimal ne hamko drink diya. Thank you Vimal. Kisi ko koi bole drink ke bare mein. Tumhe na utna acha bol do. Ye nahi hai. Focus nahi hai. Focus nahi hai. Wo pura focus nahi. Maine aur maine focus kar aur maine focus kar rakha hai. Water focus kar 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 ke wala. Bhai to camera kab nikala? Aisi coffee pi na 3 din se neend nahi aayi. Seriously 3 din se neend nahi aayi. Thanks Vimal bhai. Thank you. Anytime. By the way, By the way, 12:30 हो गए. we have crossed the तालेगांव का जंक्शन. यहाँ पे मैकैफे 12 बजे के बाद बंद हो जाता है. सो स्टार्ट. ओके, सो गाइज, वी हैव टेकन अ हॉल्ट एट दिस पेट्रोल पंप. वी आर 65 किलोमीटर्स बिफोर कोल्हापुर. 65 किलोमीटर्स हमारा कुछ कितना 280 किलोमीटर्स हुआ ना. वी हैव डन 280 किलोमीटर्स. नाउ गोवा इज 300 है. वी हैव डन 340 किलोमीटर्स और गोवा 250 किलोमीटर्स कहते हैं. गोवा इज 250 किलोमीटर्स अवे. यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट लेंगे, वॉशरूम ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल लीव.
सनराइज का टाइमिंग 5:57 बताया था, रोशनी तो हो गई है, मे बी थोड़े देर में सनराइज भी हो जाएगा. टिल देन यू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल रोड. अच्छा होटल है, डिसेंट फूड, अच्छा खाना मिल जाता है. इट इज़ 7:43 इन द मॉर्निंग, स्टिल 100 किलोमीटर्स टू गो. लेट्स सी, ब्यूटीफुल रोड मुंबई, पूरे बैंगलोर हाईवे लाइक ऑलवेज ब्यूटीफुल. अभी विमल आगे बैठे तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, आई विल ट्राई टू डू दैट सून. ओके, सो वी हैव डन द ब्रेकफास्ट ओवर हियर. ब्रेकफास्ट वॉज ओवर रेटेड और उतना कुछ खास भी नहीं था, सो नॉट रिकमेंडेड. अभी कुछ 150 या 160 किलोमीटर्स बाकी है टू आर होटल. वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ होटल में क्या क्या है, तब तक आप ये टाइम लैप्स देख लो. सो वी हैव रीच्ड अ विला. अभी थोड़े टाइम बाद अंदर चेक इन करेंगे तो आपको रास्ता दिखाएंगे. आफ्टर एक्चुअली गोइंग क्रॉसिंग द कर्नाटका बॉर्डर एंड एंटरिंग गोवा, द रोड इज़ लिटिल बिट बैड और बारिश की वजह से थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया. इट्स 12 राइट नाउ, वी हैव रीच. इट टुक अस लाइक कल 10 बजे निकले थे शाम को 10:30 एंड 12:06 हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 14 आवर्स में यहाँ पहुँच गए वेट कर करके. लेट्स सी अभी अंदर जाते हैं, फ्रेश होंगे उसके बाद विल डिसाइड कि क्या करना है. मोस्टली तो इवनिंग में ही निकलेंगे, अभी इट्स ड्रिजलिंग, पहले कुछ खा लेते हैं. सो वी हैव टेकन दिस विला ऑफ 8 पीपल इफ आई विल बी स्टेइंग ओवर हियर, एंड आई शो, आई विल गिव यू द रूम टूर. बाय द वे आई विल गिव यू द रूम टूर, कैसा है रूम हमारा. फोकस हो रहा है, हाँ हो रहा है. सी दिस इज द हॉल, ओपन हॉल, काफ़ी बड़ा है. किचन स्पेस हो देर एंड सोफा ऑफर सब मिला हुआ है, टी वी मिला हुआ है पीछे. दिस इज द साइड हरीश, दिस इज द बेडरूम, दिस इज द ओपन कबर्ड एंड दिस इज द बाथरूम. काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी क्लीन है, सो गुड बाथरूम. अभी हम लोग फ्रेश होंगे, खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे, इधर विल सी क्या क्या कर सकते हैं. वैसे तो सो वो कैमरा बिगड़ा मेरा, वाटरप्रूफ नहीं है. पानी उड़ाओ, आए पानी उड़ाओ, बस वाला हो गया ना. भाई बाय, फैमिली जा रही है, तो कब तू बाहर निकलने का और भीगने का. लेफ्ट भाई, रोड के बीच में आके तुम उंगली करो तो चढ़ाएंगे ना कभी तुम्हारे ऊपर. कंपल्सरी लेफ्ट, हाँ ना बाबा लेफ्ट ले लिया ना, और कितना लेफ्ट ले लेंगे. चल, हम इधर बोले ना.
डालूंगा तो कैलाश खेर क्लेम मारेंगे ना. ओके गाइस, सो वी जस्ट वेंट टू क्या बागा बीच, बट हम लोग अंदर नहीं जा पाए बिकॉज वहाँ पे पूरा रोड पे पानी भर गया था और बहुत ज़ोर की बारिश आ रही थी, तो हम लोग गाड़ी से नहीं उतरे, इससे मैंने कोई ब्लॉग भी किया. लेट्स सी अगर कल हम लोग किसी और बीच गए तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे. हावेवर रिटर्न आते टाइम वी टुक दिस कैफे सुसुगाडू. आई शो यू, इट्स ओवर हियर इफ यू कैन सी. या इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कैफे. यहाँ पे आओ, आप खाना खा सकते हो, अफोर्डेबल है एंड द फूड इज़ रियली टेस्टी. हम लोग यहाँ पे कुछ 7:30 को आए थे, इट्स 9:30 नाउ. बहुत अच्छा खाना था. अगर आप नॉर्थ गोवा साइड आ रहे हो तो दिस होटल इज़ अ रिकमेंडेशन, आप आ सकते हो, बहुत अच्छा खाना है. अभी तो फिलहाल द प्लान इज़ विल गो टू द रूम, क्योंकि कुछ करने को है नहीं, बारिश हो रही है, तो हम लोग रूम पे जाएंगे, थोड़ा बातें करेंगे एंड वील एंड आर डे ओवर हियर. वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि सिंस वी केम हियर इन द नॉन पीक सीजन, तो हम लोग को रूम्स बहुत अफोर्डेबल मिल गए. हम लोग ने एक विला बुक किया है एंड द कॉस्ट ऑफ इट इज़ 7,700 rupees फॉर 3 nights 3 days. सो चीप मिल गया. अगर आप यही विला पीक सीजन में बुक करोगे तो वहाँ पर कॉस्टिंग बढ़ जाती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़, पता है आज वीडियो में कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा था नहीं बिकॉज बारिश हो गई थी और मैं भी बीच में ड्राइव कर रहा था, सो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया. हावेवर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग ट्रैवल वीडियोज़.